दो साल की हैंडीकैप बच्चे का अपहरण। नवी मुंबई पुलिस ने महज 12 घंटे में सुलझाया मामला। पुलिस कमिश्नर विपिन कुमार के नेतृत्व में एक मिसाल साबित करते हुए 12 घंटे के अंदर किडनैप हुए दो साल के हैंडीकैप बच्चे को उसके माता पिता को लौटाया गया। जी हां, पनवेल रेलवे स्टेशन से अगवा किए गए एक बच्चे को सिर्फ 12 घंटे के अंदर उसके माता पिता तक पहुँचाने का काम तलोजा और पनवेल पुलिस ने कर दिखाया है। डीसीपी विवेक पांसारे के अनुसार स्टेशन पर सोने वाले परिवारों के साथ एक महिला ने रात बिताने के बहाने उनके साथ सोई और फिर रात को ही उस बच्चे को अगवा कर लिया। तलोजा पुलिस स्टेशन में कार्यरत सचिन सिंगारे, गुप्त जानकारी मिली कि महिला ने दो साल के बच्चे को अगवा कर अपने गाँव आंगनवाड़ी में छुपा रखा है। फिर क्या था, तलोजा पुलिस स्टेशन और पनवेल पुलिस स्टेशन ने मिलकर मात्र 12 घंटे के अंदर ही किडनैपिंग के केस को एक्सपोज कर मिसाल साबित की। ब्यूरो रिपोर्ट, समय नेशनल, नवी मुंबई। कल शाम को हमारे तलोजा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जितेंद्र सोनव ने इनको एक माहिती मिली थी कि पनवेल तालुका में भेंगारवाड़ी परिसर में एक महिला ने एक छोटे बच्चे को चुरा कर लाया है। संदेश उत्तेकर नामक उनका जो पुलिस कांस्टेबल है उसने उसके सोर्सेस से ये उनको मालूम मिली थी। ये मालूम उन्होंने फिर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री दौंडकर पनवेल तालुका इनको दे दी। इसमें एसीपी श्री सोनव ने श्री दौंडकर इन्होंने एक टीम फॉर्म करके भेंगारवाड़ी में टीम भेजी। वहाँ पे लोकल जो पुलिस पाटिल है उसने भी इसमें उसको बहुत अच्छी सी मदद की और वो महिला को लोकेट किया। वो महिला ने एक छोटे बालक को, दो साल के बालक को जो चुरा के लाया था उसमें घर में छुपा के रखा था। हमारे महिला पुलिस कांस्टेबल ने उन्होंने कब्जे में लिया और उसके बाद उसकी इंक्वायरी करते हुए एक पता चला कि पनवेल रेलवे पुलिस स्टेशन में, रेलवे पुलिस स्टेशन के हद में से एक छोटे बच्चे को इन्होंने रात में उठाया था, पूरा दिन उसके साथ था। उसके बाद हमने और तपास किया तो रेलवे पुलिस स्टेशन में भी एक गुना इस सिलसिले में दाखिल हुआ था। फिर हम लोगों ने ये बालक और ये महिला रेलवे पुलिस स्टेशन के हवाले किया है और आगे की तपास रेलवे पुलिस स्टेशन कर रही है।